दोस्तों, मुंबई में एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है और इस बार एनसीबी के हत्थे कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया पड़े हैं। आलम ये है कि एक ही दिन में दोनों के घर पर कई ठिकानों पर छापा पड़ा और फिर पूछताछ हुई और उसके बाद उसी एक दिन में दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब संडे के दिन पहले भारती और हर्ष का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जी हाँ, भारती हर्ष के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है दोस्तों। भारती और हर्ष को उसके बाद कोर्ट में भी पेश किया गया और कोर्ट ने भी दोनों पर कड़ा और बड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि दोनों सब कुछ मान चुके थे, स्वीकार कर चुके थे। तो एनसीबी के तीखे सवालों के आगे झुकी भारती सिंह टूट चुकी थी और सारे सवालों के जवाब सीधे सीधे दे डाले थे। तो कैसे हुई पूछताछ, क्या थे सवाल जवाब, मेडिकल टेस्ट में क्या हुआ और कोर्ट में क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। और क्यों भारती सिंह रोने लगी पूछताछ के दौरान, ये भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, भारती पर हो रहे एक्शन को लेकर कमेंट ज़रूर करें। तो बॉलीवुड में लगातार एनसीबी का एक्शन जारी है। कई बड़े बड़े नाम ड्रग के मामले में फंसे हुए दिख रहे हैं। पहले दीपिका, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े दिग्गजों पर एक्शन हुआ, तो इस बार बारी भारती सिंह की थी। कॉमेडियन भारती सिंह पर एनसीबी ने सीधे और ऐसे ही हाथ नहीं डाला दोस्तों, बल्कि भारती पर लंबे समय से एनसीबी की नज़र थी। भारती एनसीबी के रडार पर लंबे समय से बनी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कई पेडलर्स ने भारती का नाम लिया था। उन्होंने भारती और उनके पति हर्ष के साथ कनेक्शन को स्वीकारा था, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ भारती के घर पर एक्शन लिया गया और भारती के ठिकानों से करीब 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बस फिर क्या था, भारती और उनके पति हर्ष को पूछताछ के लिए तुरंत बुला लिया गया। एनसीबी ने पहले से ही तैयारी की थी, तो पहले आप भी देखिए कि भारती और हर्ष के साथ क्या क्या हुए सवाल और उन्होंने क्या दिए उनके जवाब। इंडिया टुडे के मुताबिक भारती से पहले ही सवाल में दागा गया कि ये ड्रग कौन इस्तेमाल करता था, जिसके जवाब में भारती और हर्ष दोनों ही बगलें झांकने लगे। खबरों के मुताबिक दोनों ने मान लिया कि इन दोनों ने ही इसका इस्तेमाल किया था। इंडिया टुडे के ही मुताबिक अगला सवाल पूछा गया कि कहां से खरीदी गई, तो इस पर भी पहले भारती और हर्ष गोलमोल जवाब देते रहे, लेकिन बाद में बता ही दिया कि उन्होंने किस पेडलर से खरीदी और कैसे खरीदी और क्यों खरीदी। अब तीसरा सवाल भारती और हर्ष से पूछा गया कि ये ड्रग कहां खरीदी गई, तो इस पर भी सीधा जवाब तो दोनों ने नहीं दिया, लेकिन बाद में मान ही लिया कि हाँ, मुंबई में ही ये ड्रग खरीदी गई थी। चौथा सवाल पूछा गया कि ड्रग के कितने पैसे दिए गए, तो पांचवा सवाल ये था कि आप लोग कब से इस ड्रग का सेवन कर रहे हैं। छठा सवाल पूछा गया कि आप किन किन पेडलर्स को जानते हैं, तो सातवां सवाल ये पूछा गया कि आपके घर में नशीला पदार्थ कैसे पहुंचा, इसे कौन लाया, और इन सारे सवालों के जवाब, जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब में भारती और हर्ष एनसीबी को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाए और दोनों काफ़ी गोलमोल जवाब देने लगे और अंत में टूटकर बिखर गए। खबर है कि इसी पूछताछ के दौरान कॉमेडियन भारती सिंह का रोना भी छूट गया। एनसीबी बेहद सख्ती से पूछताछ कर रही थी, तो इस दौरान भारती सिंह करीब 5 से 7 बार रो गई दोस्तों। भारती को चुप कराया गया, माहौल नॉर्मल किया गया और फिर सवाल जवाब शुरू किए गए, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 5 से 7 बार हुआ और बहुत कुछ भारती सिंह ने स्वीकार कर लिया, बहुत कुछ मान लिया कि जिसके बाद पहले भारती को और फिर उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति का पेडलर्स के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, मतलब कि बरामदगी के साथ साथ नशीला पदार्थ उन तक कैसे पहुंचा, इसके लिए कितने पैसे दिए गए और पेडलर्स को कैसे कैसे और किसने दिए, ये सारा का सारा कनेक्शन सामने आ चुका है दोस्तों। एनसीबी को पता चल चुका है और एनसीबी के पास इसका पूरा बही खाता तक आ चुका है। अब शनिवार को ये सब कुछ हुआ, तो रविवार की सुबह सुबह भारती और हर्ष लिम्बाचिया दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। अब खबर है कि टेस्ट की इनिशियल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें कई बातें साफ हो चुकी हैं। जी हाँ, डोप टेस्ट में कई बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एनसीबी की बातों पर मुहर लग चुकी है। यही नहीं, इसके बाद हर्ष और भारती को कोर्ट में भी पेश किया गया। दोनों को फिजिकली कोर्ट के सामने लाया गया और कोर्ट ने भी भारती और हर्ष पर कड़ा और बड़ा एक्शन लिया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को कोर्ट ने सलाखों के पीछे भेज दिया। अब बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ड्रग के
केस के दौरान रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ये सबसे बड़ा एक्शन है दोस्तों। अब माना जा रहा है कि भारती और हर्ष ने एनसीबी के सामने कई नाम बताए हैं, कई बड़े राज खोले हैं और कई बड़ी बातें उगल दी हैं। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग भारती के साथ काम करने वाले कपिल शर्मा को भी ट्रोल कर रहे हैं और कपिल शर्मा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीबी बहुत जल्द और बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है और भी बड़े स्टार्स को अपने शिकंजे में ले सकती है। तो आपका भारती सिंह पर हुए एक्शन पर क्या कहना है? क्या भारती जैसे और भी बड़े नाम इस ड्रग के धंधे में शामिल हो सकते हैं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें दोस्तों, और वीडियो को अभी के अभी शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीबी ने 26 सितंबर को दीपिका से लगभग 5.5 घंटे पूछताछ की, जिसमें शुरुआती दौर में तो वो कई बातों पर सिर्फ हाँ ना जवाब देती रहीं, कई सवालों पर चुप्पी साधे रहीं और कई बातों को घुमाने लगीं। इसके बाद एनसीबी ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने की अपील की, जिस पर दीपिका रोने लगी। और फिर जब एनसीबी ने कहा कि यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलने से आपका ही नुकसान होगा मैडम, बेहतर है कि आप जो भी है सच सच हमें बताएं, वरना आप इस मामले में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंस जाएंगी। जिसके बाद दीपिका कुछ नॉर्मल हुई और कुछ कुछ बातों का जवाब देने लगी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी मैनेजर करिश्मा से पूछा था माल है क्या, तो इस माल से क्या मतलब था आपका? इस पर दीपिका ने कहा कि हम सिगरेट को माल कहते हैं, हम इसी तरह कोड वर्ड्स में बात किया करते हैं। हमारी भाषा में डोबी मतलब सिगरेट, हैश मतलब सिगार। जी हाँ दोस्तों, आपको भी हंसी आ गई ना? हमें भी हंसी आई और बेहद गुस्सा भी कि दीपिका क्या सोचकर एनसीबी ऑफिसर्स को इस तरह के जवाब दे रही थी। खैर आगे बढ़ते हुए उन्होंने दीपिका से पूछा कि ठीक है तो आप कौन सी सिगरेट पीती हैं? ये पूछते हुए एनसीबी अधिकारियों ने दीपिका के सामने दो सिगरेट्स रख दी, एक मोटी और एक पतली, और पूछा उनसे कि बताइए इसमें से हैश क्या है और वीट क्या है। दीपिका ने कहा कि हम लोग मोटी सिगरेट को वीट कहते हैं और पतली सिगरेट को हैश कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब भी दिन रात ड्रग मामले पर न्यूज देख देख कर अब ये जान गए हैं कि ये ड्रग के नाम है। मगर दीपिका शायद अपने आप को एनसीबी ऑफिसर से भी ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी और उनका कहना था कि वो सिगरेट कोई इन्हीं नामों से रेफर करती हैं। जाहिर सी बात है कि एनसीबी ऑफिसर्स दीपिका के इस जवाब से भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि दीपिका जिस तरह से जवाब दे रही थी उनकी बातों से साफ महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब जब उनका फोन एनसीबी के हाथ लग चुका है, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि दीपिका की सारी पाप लीला जल्द से जल्द इस फोन से निकलकर सामने आ जाएगी, बशर्ते दीपिका ने अपना पुराना फोन ही एनसीबी को सौंपा हो, क्योंकि नए फोन से उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आप अब भी दीपिका की फिल्में देखेंगे? क्या आप इस मामले में दीपिका को सपोर्ट करते हैं या उनका बायकॉट करते हैं? अगर बायकॉट करते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर दीपिका की इस पूछताछ पर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।